नमस्कार, साहस समाचार टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा धीर। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। नायब सिंह सैनी ने ली हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ, पीएम मोदी भी पहुंचे मंच पर। नागरिकता एक्ट 1955 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, धारा 6A रहेगी बरकरार। बहराइच एनकाउंटर के बाद लखनऊ में यूपी पुलिस की बड़ी बैठक। बहराइच कांड में रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने वाले सरफराज और तालिब का हुआ एनकाउंटर। बीजेपी विधायक बासन गौड़ा पाटिल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। अनिल विज को आया नायब सिंह सैनी का फोन, मंत्रिमंडल में शामिल होने का दिया न्योता। रविंद्र वसंतराव चौहान होंगे उपचुनाव में नांदेड़ लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, अब 120 दिन नहीं 60 दिन पहले शुरू होगी टिकटों की बुकिंग। बीजेपी एमपी बांसुरी स्वराज बोली, दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सीएम आतिशी के पास कोई जवाब नहीं है। क्रेडिट सोसाइटी स्कैम में आईपीएस अफसर भाग्यश्री नवताके के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया केस। एस अरुण कुमार नंबूथिरी बने सबरीमाला मंदिर के नए मुख्य पुजारी। बिहार के सीवान में जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की हुई मौत। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को सेंसर सर्टिफिकेट मिला, जल्द होगी रिलीज। शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में अरेस्ट वारंट जारी। खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें साहस समाचार टीवी के साथ। नमस्कार।